दिल्ली तशद्दुद में पुलिस एहलकार पर पिस्टल तानने और भीड़ पर फायरिंग करने वाले शारुख को रियासत के बरेली जिले से दिल्ली क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में वजीर आजम ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए अमन हमाहंगी और इत्तेहाद जरूरी, बीजेपी के लिए सबसे मुकदम है मुल्क का मफाद। रियासत के वजीर बनाए बेसिक तालीम, सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया, कायाकल्प स्कीम से बदल रही है रियासत के स्कूलों की तस्वीर, समाज को स्कूल से जोड़ने की सिमत में किया जा रहा है काम। और जंगलात तो माहौलियात और जंगली जानवरों के तहफ्फुज़ के तई बेदारी लाने के मकसद से आज मनाया जा रहा है आलमी दिन, इस मौके पर पूरी रियासत में किया जा रहा है मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं दीबा हाशमी और अब खबरें तफसील से। दिल्ली तशद्दुद के दौरान पुलिस एहलकार पर पिस्टल तानने वाले शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली की क्राइम ब्रांच टीम के जरिए शाहरुख को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है, साथ ही उसे पनाह देने वाले लोगों की भी तलाश शुरू कर दी गई है। दिल्ली तशद्दुद के दौरान 24 फरवरी को जाफराबाद इलाके में इस शख्स ने 8 राउंड फायरिंग की थी। उसने फायरिंग के दौरान एक पुलिस एहलकार पर भी पिस्टल तान दिया था और फिर फायरिंग करते हुए ये शख्स भीड़ में गायब हो गया था, जिसकी शिनाख्त शाहरुख के तौर पर हुई थी। दिल्ली पुलिस कई दिनों से उसे तलाश कर रही थी। शाहरुख दिल्ली के थाना उस्मानपुर का रहने वाला है, लेकिन वारदात के बाद से ही वो अपने कुनबे के साथ फरार हो गया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम उसकी तलाश में लगी थी। इस दरमियान क्राइम ब्रांच को शाहरुख के बरेली में छिपे होने की खबर मिली थी। इत्तला मिलने पर उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस ने मिलकर शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जिला इंतजामिया या पुलिस के किसी भी आला अफसर से इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। दारुल हुकूमत दिल्ली में सूरत हाल पुरअमन बनी हुई है। गुज़िश्ता हफ्ते शुमाल मशरकी दिल्ली में पुरतशद्दुद वाकयात के बाद मामूलाते जिंदगी तेजी से मामूल पर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। इस दरमियान शुमाल मशरकी दिल्ली में मुलतवी किए गए CBSE के 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक कल से फिर शुरू हो गए। इम्तिहान में तुलबा की 98% से ज्यादा हाजिरी दर्ज की गई। इस दरमियान तशद्दुद रुकने के बाद मुतासिरा लोगों को मदद पहुंचाने का काम जारी है। दिल्ली हुकूमत ने शुमाल मशरकी दिल्ली में हुए तशद्दुद में जान गंवाने वाले IB एहलकार के कुनबे को 1 करोड़ रुपए की एजाजी रकम देने का भी ऐलान किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में कई अहम बातें कहीं, जिनमें सबसे अहम बात उन्होंने कही कि मुल्क की तरक्की के लिए अमन हमाहंगी और इत्तेहाद जरूरी है। इसके अलावा सभी अराकीन पार्लियामेंट से वजीर आजम ने कहा कि कुछ सियासी पार्टियों के लिए उनकी पार्टी का मफाद सबसे ऊपर हो सकता है, लेकिन बीजेपी के लिए मुल्क का मफाद सबसे मुकदम है। देश हित सर्वोपरि है और विकास हमारा मंत्र है। विकास के लिए शांति रहना चाहिए, एकता रहना चाहिए, सद्भावना रहना चाहिए। ये सिर्फ हमको बोलना नहीं, हर एक MP इसका इसमें लीड लेना चाहिए। देश हित के सुप्रीमेसी लाने के लिए एक तो विकास के साथ सबके साथ सबका विकास और सबके विश्वास, ये मंत्र लेते हुए मनसा वचसा कर्मणा, ये 3 सिद्धांतों के साथ हमको चलना है। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा, वजीर बराए पार्लिमानी अमूर प्रहलाद जोशी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, मरकजी वजीर स्मृति ईरानी समेत पार्टी के अराकीन पार्लियामेंट बड़ी तादाद में मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने हिजब मखालिफ की जमातों पर तनकीद करते हुए कहा कि कुछ लोगों को भारत माता की जय बोलने में भी दिक्कत है। उन्होंने इस बात पर दुख का इजहार भी किया कि आज भारत माता की जय को इशू बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, आज के दिन में जैसे हमारा फ्रीडम स्ट्रगल में हुआ था, देश हित और दल हित का एक इशू तब भी आया था, तब
वंदे मातरम को भी इनकार किया गया था। ऐसे आज भी कई दल देशहित और दलहित में, दलहित सुप्रीम मान रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के एमपी, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि देशहित सर्वोपरि मानना चाहिए। इसके लिए जैसे तब वंदे मातरम इशू बनाया गया था, आज के दिन में भारत माता की जय भी एक इशू बनाने का कोशिश चल रहा है। प्रधानमंत्री इसके लिए चिंता व्यक्त की। मीटिंग के बाद बीजेपी के सीनियर रुकन पार्लियामेंट और पार्लियामानी पार्टी के रुकन प्रहलाद जोशी ने इत्तला फराहम करते हुए बताया कि वजीर आजम 7 मार्च को जन औषधि स्कीम के मुस्तफेदीन के साथ बातचीत करेंगे। 7 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का सभी जो 6300 अभी तक दुकानें खुले हुए हैं उनके साथ और उसके जो लाभार्थी है उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से उन्हों एक इंटरेक्शन करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इतवार को सोशल मीडिया से दूरी बनाने का इशारा दिया है। वजीर आजम ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि इतवार को मैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट को छोड़ने पर गौर कर रहा हूं। इस सिलसिले में आपको मतला करता हूं। हम जानते हैं कि वजीर आजम सोशल मीडिया के जरिए लगातार लोगों से जुड़ते रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो काफी मकबूल हैं। ट्विटर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 5,33,00,000 फॉलोवर हैं। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और साबिक सदर बराक ओबामा के बाद वो ट्विटर पर तीसरे सबसे ज्यादा मकबूल लीडर हैं। वजीर आजम के इस ट्वीट के बाद उनके फॉलोवर्स ने उनसे ऐसा ना करने की अपील की है। अपने 3 साल दौरे हुकूमत में कई रिकॉर्ड बनाने वाले वजीर आला योगी आदित्यनाथ एक और नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। वो एक बार में बीजेपी हुकूमत के यूपी में सबसे ज्यादा वक्त तक वजीर आला बनने की तारीख रकम करेंगे। उनकी हुकूमत के 3 साल 18 मार्च को पूरे होंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी हुकूमतों में मुख्तलिफ वक्त में 4 वज़राए आला रह चुके हैं, जिनमें योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे वजीर आला हैं जो मुसलसल 3 साल मुकम्मल करने जा रहे हैं। अलबत्त कल्याण सिंह के 2 बार के दौरे हुकूमत को जोड़ लें तो जरूर 3 साल से जायद होंगे, लेकिन उनका कोई भी दौरे हुकूमत एक बार में 3 साल तक नहीं रहा। दरअसल बीजेपी ने पहली बार 1991 में यूपी में हुकूमत बनाई थी, उसे तकरीबन मुकम्मल अक्सरियत ही मिली थी, लेकिन 2017 में बीजेपी को न सिर्फ मुकम्मल अक्सरियत मिली है बल्कि उससे बढ़कर वो अक्सरियत से काफी आगे हैं। अगर 6 दिसंबर के वाकये के सबब कल्याण सिंह हुकूमत बर्खास्त ना हुई होती तो यकीनी तौर पर अपना मियादकार मुकम्मल करती। इसके बाद बीजेपी की जो हुकूमत बनी वो दूसरी पार्टियों की हिमायत से इत्तेहाद वाली हुकूमत बनी। मौजूदा दौरे हुकूमत में सियासत और पार्टियां बदलने के कई रंग देखने को मिले। वजीर बराए बुनियादी तालीम सतीश चंद्र द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मिशन कायाकल्प के जरिए बुनियादी तालीम के शोबे में बड़ा काम किया गया है। इस स्कीम में स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की क्यादत वाली हुकूमत का मानना है कि स्कूल में समाज की हिस्सेदारी होना चाहिए और समाज का जज्बाती लगाव स्कूल से बना रहना चाहिए। इसके लिए टास्क फोर्स की भी तश्कील की गई है। वहीं मुल्क की कई बड़ी कंपनियां भी कायाकल्प स्कीम में शराकत कर रही हैं। अब ज्यादातर जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे थे वो स्कूल आ रहे हैं। अब केवल वही बच्चे जुड़ रहे हैं, नए बच्चे स्कूल गोइंग एज में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस तरह की संख्या हर साल नहीं बढ़ेगी क्योंकि उतने बच्चे हैं ही नहीं। लेकिन आज ये अच्छी स्थिति यह है कि अब जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, स्कूल गोइंग एज में जो बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर नहीं है, ऐसे सारे बच्चों का पंजीकरण हो रहा है। और पिछले 2 सालों का जो ट्रेंड है, तमाम निजी स्कूलों के बच्चे शिफ्ट होकर के सरकारी स्कूलों में आए, क्योंकि हमने जो 15,000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले और 1,000 उच्च प्राथमिक स्कूलों में जो फर्नीचर की सुविधा उपलब्ध कराई, जो कायाकल्प के तहत स्कूल बेहतर किए, तो लोगों का रुझान सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़ा। कायाकल्प जो है हमारा वो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोग्राम है। स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, बिल्डिंग ठीक हो, सारी तरह की सुविधाएं, विद्युतीकरण हो, पेयजल हो, वॉशिंग पिट हो, हैंड वॉश का पिट हो, स्टैंड हो, किचन सेट हो, ये सब फर्नीचर हो, स्मार्ट क्लास हो, ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का पोर्शन है वो हमारे कायाकल्प योजना के तहत चल रहा है। जितना एकेडमिक पोर्शन है वो सब मिशन प्रेरणा के तहत है।
सिमटते जंगलात, घटती जंगली जानवरों की तादाद और बिगड़ते माहौलियात के तवाजुन को लेकर पूरी दुनिया फिक्रमंद है। इसी सिलसिले में माहौलियात और जंगलात के तहफ्फुज़ के तहत बेदारी लाने के मकसद से आज जंगलाती जिंदगी से मुतालिक आलमी दिन मनाया जा रहा है। भारत नेपाल सरहद पर वाकई जिला लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क और दुधवा टाइगर रिजर्व इलाके में जंगलाती जिंदगी के तहफ्फुज़ को लेकर सरकारी और गैर सरकारी इदारों के जरिए जंगली हैवानों नबातात के तहफ्फुज़ को लेकर मुख्तलिफ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसमें आम लोगों की हिस्सेदारी भी यकीनी बनाई जा रही है। आज मनाए जाने वाले इस आलमी दिन के मौके पर दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर संजय कुमार ने बताया कि जमीन पर जितने भी हैवान नबातात हैं वो इसी तरह बने रहें, सूरत हाल मजीद खराब ना होने पाए, इसके लिए 100% कोशिश करने की जरूरत है। गुज़िश्ता 40 बरसों में 60% इकसाम नापैद हो चुकी है। तो वो है कि पृथ्वी पे जितने भी मतलब जीव जंतु हैं वो इसी दशा में कम से कम बने रहें, इससे खराब स्थिति न होने पाए उनकी, उसके लिए सोच विचार करने की आवश्यकता है। सतत रूप से जो है इसी प्रकार से रहें, क्योंकि आप देखेंगे तो लगभग 40 साल में पिछले 40 साल में हम लोग 60% प्रजातियां जो हैं उसको लूज कर चुके हैं। अब हम इसी स्थिति में नहीं हैं कि और प्रजातियों को जो है लूज कर पाएँ, क्योंकि आप बचपन में जो चीज़ें आपने देखी होंगी आज की डेट में जो हैं वो चीज़ें ऑलमोस्ट विलुप्त हो गई। तो चाहे वो बर्ड्स की प्रजाति हो, चाहे पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, चाहे वो कीट पतंगों की प्रजातियां हो या जीव जंतु की ही हो, तो इसलिए आज हम लोग भी मतलब ऐसे तो वाइल्ड लाइफ से जो जुड़े लोग हैं या वनकी से जो लोग जुड़े हैं उनका कहीं ना कहीं सभी समस्त जीवन तंत्र को संरक्षित करने का प्रयास रहता है। जिला फतेहपुर में मिशन कायाकल्प के जरिए सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल रही है। मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों की तरह सहूलियात देखने को मिल रही हैं। फतेहपुर के पहरवापुर प्राइमरी स्कूल की तस्वीर मिशन कायाकल्प के तहत बदली गई है। दूरदर्शन से गुफ्तगू करते हुए स्कूल की प्रिंसिपल नीलम भदौरिया ने बताया कि मिशन कायाकल्प एक ऐसा जरिया है जिससे प्राइमरी स्कूलों के हालात में बेहतरी आएगी। उन्होंने बताया कि स्कूल में इनोवेशन के जरिए बच्चों को दिलचस्प तालीम मुहैया कराई जा रही है और सरपरस्त अपने बच्चों का दाखिला कॉन्वेंट की जगह सरकारी स्कूलों में कराने के लिए रागिब होते हैं। कॉन्वेंट स्कूल को टक्कर देने वाले इस स्कूल में बच्चों को आसान और दिलकश तरीके से पढ़ाने के लिए स्कूल में ही रद्दी कागज और दीगर अशिया से टीचिंग लर्निंग मटेरियल बच्चे और असातजा मिलकर तैयार करते हैं। जिले के बेसिक तालीम अफसर शिवेंद्र प्रताप पहरवापुर प्राइमरी स्कूल की हसूलियाबी से हौसला अफजा हैं और इसे दीगर स्कूलों के लिए तरगीब का जरिया मान रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, हमारे शिक्षा विभाग से सरकार की ओर से बहुत ध्यान दिया जा रहा है। हमारे बेसिक के साथ साथ सभी विद्यालयों में काम हो रहा है, कायाकल्प के अंतर्गत जैसे हमारे विद्यालय में टाइल्स लगे हैं, हैंड वॉशरूम की व्यवस्था की गई और साथ ही वाटर प्योरीफाई भी लगाई है। और हम लोग इसी के साथ साथ नवाचार का प्रयोग भी करते हैं ताकि बदलाव आए, उन नवाचारों के माध्यम से नए नए तरीकों से बच्चों को पढ़ाते हैं, खेल कूद गतिविधि के माध्यम से मॉडल बनाने की प्रतियोगिताएं कराते हैं। जैसे इस समय हमारे विद्यालय में चल रहा है हुनर प्रतियोगिता सप्ताह, प्रत्येक दिन अलग अलग तरह की प्रतियोगिता कराई जाती है। कंट्री में बहुत बदलाव हुआ, वहाँ जाते तो वजह से बंद के रह जाते, फिर विषय दी जाती है, यहाँ प्राइमरी स्कूल में तो हर चीज़ दी जाती है, वो बोलने की शिक्षा दी जाती है, बच्चा बिना गलत बोल भी लेता और हर चीज़ से कुछ बनाना है तो मैडम जी स्वयं आके अपने बच्चे की तरह बच्चों को वो करती है। आता बहुत बच्चों को पहरवापुर विद्यालय जनपद फतेहपुर का उत्कृष्ट विद्यालय है, इसकी प्रधानाध्यापिका नीलम भदौरिया जी राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित है। विद्यालय में छात्र संख्या, SMC के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका, माँ समूह की महत्वपूर्ण भूमिका, इन सारे पैरामीटर्स पर विद्यालय खरा उतरता है। विद्यालय शिक्षण एवं शिक्षेत्र गतिविधियों में भी आगे रहता है। जनपद स्तर पर जितने भी आयोजन होते उसमें इस विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विद्यालय में अभी स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत स्मार्ट क्लास और इंटरेक्टिव क्लास की सुविधा भी प्रदान की गई है, जिससे विद्यालय में बच्चों का रुझान और बढ़ा है, बच्चे नवाचारी ढंग से सीख रहे हैं।
मथुरा बरसाना में खवातीन आलमी शोहरत याफ्ता लट्ठमार रंगीली होली में काम आने वाली ढालों को बनाने का जिम्मा उठा रही हैं। वैसे तो राधा कृष्ण की तस्वराती लट्ठमार होली खवातीन के ताकतवर होने की अपने आप में एक मिसाल है, लेकिन खवातीन किसी से कम नहीं। इस बात का पैगाम राधा के गांव बरसाना की बहुएं ढाल बनाकर दे रही हैं। यहाँ मंदिर के अहाते में रसिया के गीत गाए जा रहे हैं। बरसाना की लड्डू होली में वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करेंगे। होली पर उमड़ने वाले राधा रानी की अकीदतमंदों की भीड़ और वजीर आला की सिक्योरिटी के लिए पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। 3 जोन की सिक्योरिटी की कमान एएसपी एडीएम के हाथों में सौंपी गई है। 9 सेक्टरों की कमान एसडीएम और डिप्टी एसपी संभालेंगे। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी के चाको चौबंद इंतजामात किए गए हैं। एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरुवर ने फोर्स को ब्रीफ करके मोहतात और अलर्ट रहने के साथ ही अकीदतमंदों के साथ अच्छा बर्ताव करने की भी हिदायत दी है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म हुआ। उर्दू का अगला बुलेटिन 8:15 पर नशर किया जाएगा। तब तक के लिए दीबा को दीजिए इजाजत। आदाब।